सो गाइस, आज की वीडियो पर आपको स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप कैसे बनाएंगे इंस्टाग्राम लिंक को आप कैसे बनाएंगे, कैसे क्रिएट करेंगे। तो फ्रेंड्स, उसके बारे में पूरा डिटेल्स यहां पर बात करने वाला हूं और आपको समझाऊंगा कि आप कैसे बनाएंगे इजी वे में। आपको बताऊंगा फ्रेंड्स, आपको सही तरीका बताऊंगा इजी वे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि वीडियो भारी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो में आपको एंड तक बने रहना, क्योंकि स्किप नहीं करना। अगर थोड़ा सा भी स्किप कर देंगे तो फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। देन दोस्तों, आप यहाँ पर इंस्टाग्राम लिंक आप क्रिएट कर नहीं सकते हो। तो फ्रेंड्स, काफ़ी इंटरेस्टिंग टिप्स एंड ट्रिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक है, क्योंकि फ्रेंड्स आप इंस्टाग्राम लिंक कैसे बनाएंगे, कैसे पाएंगे। तो आजकल यूट्यूब पर तो बहुत वीडियो मिल जाता है, बट ना आपको घुमा फिरा के अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, इसीलिए इस वीडियो काफ़ी यूजफुल है आपके लिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आपको एंड तक बने रहना है, आपको स्किप नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ राजेंद्र, आज के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अपना इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को आपको ओपन करना है। तो फ्रेंड्स, मैं अपना इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर फाइनली मैं अपना इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को ओपन कर चुका हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको इस तरह से इंटरफेस मिलेगा अपना इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि अपना इंस्टाग्राम यूजर नेम को। तो फ्रेंड्स, आपको कैसे पता करना है, तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको कि आपको सबसे पहले जानना होगा, आपको ये याद रखना होगा कि आप इंस्टाग्राम यूजर नेम को आप कैसे फाइंड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बता रहा हूँ, फ्रेंड्स यहाँ पर आप नीचे में देख सकते हो अपने इंस्टाग्राम लोगों को। तो फ्रेंड्स, सिंपली उसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना होगा लोगों के ऊपर। लोगों के ऊपर क्लिक कर देने के बाद फ्रेंड, आपको इस तरीके से इंटरफेस मिल जाएगा, यानी कि अपना इंस्टाग्राम प्रोफाइल आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल, तो फाइनली यहाँ पर आ चुका है। तो फ्रेंड्स, अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया है तो फटाफट जाके फॉलो कीजिए, क्योंकि आगे भी इंस्टाग्राम रिलेटेड वीडियो बहुत आने वाला है। तो फ्रेंड्स, आपको इस तरीके से इंटरफेस मिल जाता है। उसके बाद फ्रेंड, आप ऊपर में आप यहाँ पर आप देख सकते हो एम आर राजेंद्र है। तो फ्रेंड्स, सिंपली उसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। उसके ऊपर क्लिक कर देने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो एम आर राजेंद्र माझी आ चुका है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा इंस्टाग्राम यूजर नाम। तो फ्रेंड्स, आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हो अपना इंस्टाग्राम यूजर नाम। उसके बाद फ्रेंड्स, ये है एक मेथड, और एक मेथड बता रहा हूँ मैं, यहाँ पर आप देख सकते हो एडिट प्रोफाइल। तो फ्रेंड्स, सिंपली उसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। उसके ऊपर क्लिक कर देने के बाद फ्रेंड, आपको इस तरीके से इंटरफेस मिल जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो नेम, यहाँ पर यूजर नेम है। तो फ्रेंड्स, आपको सिंपली यूजर नेम के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद क्लिक कर देने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आ जाएगा अपना यूजर नेम। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो फाइनल यहाँ पर यूजर नेम आ चुका है। तो फ्रेंड्स, बॉक्स के ऊपर आपको सिंपली लॉन्ग प्रेस करना होगा। लॉन्ग प्रेस करने के बाद फ्रेंड्स, आपको इस तरीके से इंटरफेस मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो तीन ऑप्शन आ चुका है, पेस्ट, सेलेक्ट ऑल एंड सेलेक्ट। तो फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले सेलेक्ट ऑल के ऊपर क्लिक करना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले अपना इंस्टाग्राम यूजर नेम को आपको सबसे पहले कॉपी कर लेना है। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर कॉपी कर चुका हूँ फाइनली। तो फ्रेंड्स, उसके बाद फ्रेंड्स, आपको क्लोज कर देना है। क्लोज करके आपको अपना क्रोम ब्राउजर यानी कि गूगल पर आ जाना है। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर फाइनली गूगल पर आता हूँ। गूगल पर आ जाने के बाद फ्रेंड, आपको यहाँ पर सर्च करना होगा https। आपको स्मॉल लेटर में आपको https लिखना होगा, https। https का मतलब है फ्रेंड्स, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। तो फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले https लिखना होगा स्मॉल लेटर में। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको कॉलन देना होगा। कॉलन देने के बाद फ्रेंड्स, आपको दो टो आपको स्लैश देना होगा, यानी फॉरवर्ड स्लैश। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर दो टो स्लैश दे देता हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर लिखना होगा w, यानी कि w3। तो फ्रेंड्स, आपको www लिखना होगा। www का मतलब है वर्ल्ड वाइड वेबसाइट। तो फ्रेंड्स, आपको सिंपली www लिखना होगा। उसके बाद फ्रेंड, आपको डॉट देकर आपको यहाँ पर instagram.com लिखना होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर instagram.com लिख देता हूँ। instagram.com लिखना होगा आपको। instagram.com लिखने के बाद फ्रेंड्स, आपको और एक तो आपको स्लैश देना होगा, फॉरवर्ड स्लैश। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको जो अपना इंस्टाग्राम यूजर नेम है, तो फ्रेंड्स सिंपली उसके जो यूजर नेम आप कॉपी किए, तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर पेस्ट करना होगा, यानी कि अपना यूजर नेम को यहाँ पर लिखना होगा। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। कोई यूजर नेम को आपको लिखना होगा फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर ये याद रखना होगा आपको। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर मेरा इंस्टाग्राम यूजर नेम को फाइनल यहाँ पर एंटर कर चुका हूँ, यानी कि लिख चुका हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको अपना यूजर नेम एंटर करने के बाद फ्रेंड्स, आपको फिर से और एक फॉरवर्ड स्लैश देना होगा। फॉरवर्ड स्लैश यहाँ पर दे चुका हूँ फाइनली। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको सर्च कर देना है। सर्च कर देने के बाद फ्रेंड्स, आपको इस तरीके से आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको सिंपली इंस्टाग्राम के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। उसके ऊपर क्लिक कर देने के बाद फ्रेंड्स, आपको ले जाएगा अपना इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो फाइनल यहाँ पर मेरा प्रोफाइल आ गया है। तो फ्रेंड्स, आप इस तरीके से किसी भी लिंक को भी आप इस तरीके से इंस्टाग्राम लिंक को पा सकते हो। तो फ्रेंड्स, ऐसे आपको सिंपल ट्रिक आपको ऐसे लिखना होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं और एक आपको प्रूफ बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले लिखना होगा https, उसके बाद आपको कॉलन देना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको डबल स्लैश देना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर डबल यानी कि w3 लिखना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर instagram.com लिखना होगा। instagram.com यहाँ पर आपको लिखना होगा। सॉरी, थोड़ा
स्पीड में थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, instagram.com यहाँ पर लिखना होगा आपको सबसे पहले। उसके बाद फ्रेंड्स लिख देने के बाद आपको फॉरवर्ड स्लैश देना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर यूजर नेम देना है। तो फ्रेंड्स हमारे मनोज दे का मैं यूजर नेम यहाँ पर एंटर करता हूँ। अभी मनोज दे का यूजर नेम है मनोज दे 23। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लिखता हूँ मैं मनोज दे 23। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मनोज दे 23 यहाँ पर फाइनली लिख चुका हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स आपको लास्ट में और एक फॉरवर्ड स्लैश देना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको सर्च कर देना है। सर्च कर देने के बाद ऐसे ऑप्शन फिर से आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको इंस्टाग्राम के ऊपर क्लिक करना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको डायरेक्ट ले जाएगा अपना इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हो कि मनोज दे का फाइनली हमारा प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पर आ गया है। तो फ्रेंड्स आप इस तरीके से किसी भी इंस्टाग्राम लिंक को आप इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो फाइनली पर मनोज दे का आ गया है। तो फ्रेंड्स आप किसी भी लिंक यानी कि इंस्टाग्राम लिंक को आप इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि आगे भी इस तरह के वीडियो हमारे चैनल पर आती रहेगी। तो सबसे पहले वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो पर फिर मिलेंगे न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे मातरम।